समय की बात है, दीपावली का दिन था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर सजावट की हुई थी और दिए भी जलाए हुए थे, पर उनमें से एक घर बहुत ही सुना था। ना उसमें दिए जले हुए थे और ना ही कोई सजावट की गई थी। उस घर के दरवाजे के सामने एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया बड़ी ही उदास बैठी हुई थी। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जी बाबा, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आई। उस प्यारी सी चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी चिड़िया घर के अंदर जाती है। तभी वो बाबा देखते हैं कि जंगल के सभी पक्षियों के घर जगमगा रही हैं, पर बस यही घर बड़ा ही सूना है। यहाँ कोई भी दीप नहीं जला हुआ है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया एक ग्लास पानी लेकर आती है। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बाबा खुशी खुशी पानी पीते हैं और पानी पीकर टोनी से कहते हैं, अरे बिटिया, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? आज तो खुशियों का माहौल है, सभी के घर दियों से जगमगा रहे हैं और तुम्हारे घर में एक भी दिए नहीं जले हैं। क्या बात है बिटिया, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, बस एक माँ है जो सारा दिन दूसरे के घरों में काम करती है, तब जाकर हमें दो वक्त की रोटी नसीब होती है। पैसों की कमी होने की वजह से मैं स्कूल पढ़ने भी नहीं जा पाती। अब तुम ही बताओ, हम आखिर दिवाली का त्योहार इतनी गरीबी में कैसे मना सकते हैं? अरे बिटिया, तू गरीब है तो क्या हुआ, तू बहुत नेक दिल की चिड़िया है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हुआ और आज दिवाली के दिन मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। इतना बोलकर वो बाबा टोनी चिड़िया को एक जादुई दिया देते हैं। दिए में से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। दिया देते हुए वो बाबा टोनी से कहते हैं, बिटिया, ये एक जादुई दिया है, यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम इससे कुछ मांगोगी तो कोई बाहर वाला इसे ना देखे। अगर इसे कोई बाहर वाला तुम्हें मांगते हुए देख लेता है तो इसकी जादुई शक्तियां गायब हो जाएगी। इतना बोलकर वो बाबा भी गायब हो जाते हैं। टोनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो जादुई दिया लेकर अपनी माँ के पास जाती है और बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है और मन ही मन उस साधु महात्मा का धन्यवाद करती है। दीपक दीपक, जादुई दीपक, अपना जादू दिखाओ और मेरा घर रोशनी से भर दो। टोनी चिड़िया के इतना कहते ही उसका पूरा घर दियों से जगमगा उठता है। टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद टोनी दिया से कहती है, दीपक दीपक, जादुई दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वह दिया उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। उसके बाद टोनी दीपक से कहती है, दीपक दीपक, जादुई दीपक, मेरी माँ के लिए एक अच्छी से सिलाई मशीन ला दो, जिससे कि मेरी माँ को दूसरे के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। और जादुई दीपक उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। और ये देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है और अपनी बच्ची टोनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। मिटिया, दीपक का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद करने के लिए करना। देखते ही देखते अब टुनटुनी चिड़िया की हालत में सुधार होने लगता है और टोनी चिड़िया भी अब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती हैं। और टोनी चिड़िया जरूरतमंदों की मदद किया करती और गरीब भूखे पक्षियों को भी खाना खिलाया करती। अब टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया के पति की मौत के हादसे में हो गई थी। जब से रानो चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी, वो कालू सेठ के दिए हुए मकान में किराए पर रहती थी। एक रात तेज तूफान और बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तब पक्षी यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाते हुए उड़ते फिरते हैं। उसी तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर उड़ जाता है। वो बेचारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो जाती है। वो रात भर अपने बच्चों के साथ बारिश में भीगती रही। अगले दिन मकान मालिक कालू कौवा अपनी पत्नी कोरी कौवी के साथ वहाँ आता है। क्या रे चिड़िया,
मैंने तुझे अपना घर रहने को दिया था या उड़ाने को तूने उसे तूफान में उड़ा दिया। तूफान में तूने मेरे घर को पकड़ कर क्यों नहीं रखा? बता मुझे, तू जानती भी है तेरी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? यह आप कैसी बातें कर रही हैं मालिक? मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मैं उस तेज तूफान में इन्हें पकड़ती या उस घर को पकड़ती? वाह जी वाह, क्या बात है चिड़िया। बच्चे तेरे खुद के हैं, इसलिए उन्हें तूने पकड़ कर रखा। पर घर तो किराए का था, तेरा थोड़ी था जो तुझे दुख होता, इसलिए उसे उड़ जाने दिया। सुनो चिड़िया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरा घर नया बना कर देना होगा, समझी तुम? कालू सेठ की यह बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। लेकिन मकान मालिक जी, मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं कैसे घर बनाऊंगी आपका? इसलिए मुझे आप मेरे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दे, मुझे माफ कर दे। ओ रानो चिड़िया, जाने दे तुझे, तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुझे जाने दे? वाह क्या बात करती है तू, मेरी एक बात कान खोल कर साफ साफ सुन ले, तुझे मेरा घर बना कर देना ही होगा, तभी तू यहाँ से जा सकेगी, वरना तू भूल जा और मैं तेरे किए की तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सेठ जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ है, आपके घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उस तेज तूफान में उड़ गया। एक एक पाई जोड़ कर मैंने सामान इकट्ठा किया था, वो सब चला गया। मैं वैसे भी बहुत चिंता में हूँ, आप मुझे और ज्यादा परेशान ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो भी हो चिड़िया, तुम्हें हमारा घर बना कर तो देना ही होगा। मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा घर बना कर नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो गौरी कौवी, हम दूसरे घर का भी हाल देख लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है, उसके दोनों बच्चे भी इसमें उसका साथ देने लगते हैं। तभी रानो का बेटा कोको देखता है कि एक पक्षी पेड़ के नीचे दबा पड़ा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। वो अपनी माँ को आवाज देकर वहाँ बुलाता है। माँ जल्दी यहाँ आओ, इस पेड़ के नीचे कोई पक्षी दबा पड़ा है, हमें उसे बचाना होगा। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आती है, वो एक चील बाबा था। रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर उस चील बाबा को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं। बाबा आप ठीक तो है ना? आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए? वो तो मेरे बेटे कोको ने आपकी आवाज सुन ली। बेटी, कल के तूफान में मैं इस पेड़ के नीचे दब गया था। मैं कल भोजन लेने जा रहा था, तभी वो तेज तूफान आया और मैं इस पेड़ के नीचे दब गया। बेटा, अगर कुछ देर और हो जाती तो मैं मर ही जाता। इस पेड़ के नीचे दब के वो तो तुम्हारा एहसान है, जो वक्त रहते तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। बाबा शुभ शुभ बोले, मरे आपके दुश्मन, अब आप परेशान मत हो, कुछ देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा एक बात पूछो, वैसे तुम इस सुनसान जंगल में अपने इन दो छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना यह जंगल कितना खतरनाक है, तुम्हारा इस तरह यहाँ घूमना ठीक नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े बाबा को सारी बात बताती है। रानो बेटा, मैं कोई आम बाबा नहीं, बल्कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं अभी तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मैं उस कालू कौवे का घर अभी चुटकियों में बना देता हूँ, तुम फिकर मत करो। वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूं। फिर उस जादूगर बाबा ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही मिनटों में कालू सेठ का घर तैयार हो गया, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने उस कालू सेठ का घर बना दिया, वरना आप नहीं जानते वो तो मुझे जान से ही मार देता। बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में, तुम अपने बच्चों के साथ चलो मेरे साथ मेरे घर में, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और ना ही तुम्हें वहाँ कोई परेशानी होगी।
वो बूढ़ा जादूगर बाबा रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को लेकर एक खेत के पास आता है। उस खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। उन तरबूज को देखकर बच्चे मचलने लगते हैं। मम्मा वो देखो, इस खेत में कितने सारे तरबूज लगे हुए हैं। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, मम्मा मुझे तरबूज खिला दो ना। बेटा ऐसे चित नहीं करते, गलत बात होती है। रानो बच्चों को मत डांटो। बच्चों अब तुम लोग यहीं रहने वाले हो, जितनी मर्जी हो तरबूज खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर जादूगर बाबा ने मंत्र पढ़ा और उस तरबूज के खेत के पास में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो गया। जाओ चिड़िया बेटी जाओ, आज से ये विशाल जादुई तरबूज का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारी जरूरत की हर चीज इसमें मौजूद होगी। तरबूज के घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ तरबूज के घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे जादूगर बाबा का ख्याल आता है। वो घर के बाहर आती है पर जादूगर बाबा वहाँ नहीं था। रानो चिड़िया समझ जाती है कि वो जादूगर चील बाबा उसकी मदद करने के लिए आया था। और फिर रानो चिड़िया और उसके बच्चे उस तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।